हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ला रही हूँ गुजराती लोगों की स्पेशल रेसिपी हांडवो, जो हम पैन में बनाएंगे। इसको आप वेजिटेबल लेंटिल केक भी बोल सकते हो। ये रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है और टेस्टी भी लगती है। तो चलो शुरू करते हैं। तो इधर मैंने 2 कप भर के बॉयल्ड राइस ले लिए है, इसको उकड़े चावल भी बोलते हैं। इधर मैंने ले ली है 1/3 कप तूर दाल और 3/4 कप चना दाल। तो ये तीनों चीज़ों को मैंने 2 से 3 बार धो दिया है और इसको मैं ओवरनाइट पानी से भिगोकर रख रही हूँ। इसको आप 4 से 5 घंटे तक भी भिगोकर रख सकते हो। इसके बाद हम इसका पेस्ट बना देंगे। तो देखिए, ऐसा पेस्ट हमें चाहिए। पेस्ट बहुत मोटा भी नहीं रखना है और बहुत छोटा भी नहीं रखना है। पेस्ट बनाते वक्त पानी के जगह पर मैंने दही का इस्तेमाल किया है। इससे क्या होगा कि पेस्ट बनाते वक्त हमारा बैटर बहुत पतला भी नहीं होगा और हमारे बैटर में दही की वजह से थोड़ा खट्टापन भी आएगा। आपको ऐसी कंसिस्टेंसी नहीं मिल रही है तो आप ऊपर से भी थोड़ा पानी डालकर ऐसी कंसिस्टेंसी ला सकते हो। तो 7 से 8 घंटे तक ढक के धूप में मैं रख देती हूँ। अगर धूप नहीं आती है तो आप गैस पे खाली तवे को गर्म कर दो और उसके बाद ये बैटर वाले बर्तन को तवे पे 7 से 8 घंटे तक फूलने के लिए छोड़ सकते हो। तो देखिए, हमारा बैटर बहुत अच्छे से फूल के रेडी हो चुका है, लेकिन ये थोड़ा थिक हो गया है। तो थोड़ा पानी डाल के हम इसका थोड़ा पतला बैटर बना देंगे। तो इधर सब्जी में मैंने आधी लौकी को ग्रेट कर लिया है। आप गाजर कैप्सिकम का भी यूज़ कर सकते हो। 2 चम्मच वाइट तिल लिया है, थोड़े से पीनट्स, और मैंने लिया है तीखी हरी मिर्च का पेस्ट, इसलिए मैं लाल मिर्च पाउडर का यूज़ नहीं करूँगी। इधर अदरक का पेस्ट लिया है, कड़ी पत्ता और मसालों में थोड़ी सी हींग, हल्दी पाउडर, राई, जीरा, नमक, 3 से 4 चम्मच गुड़ और रेगुलर ऑयल। तो सबसे पहले हमारे बैटर में मैं डालूंगी ये ग्रेट की हुई लौकी, फिर हम डालेंगे अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। अब जो हमने गुड़ लिया है वो ऐसे ही हाथों से मैश करके डाल देंगे। तो अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और हल्दी पाउडर और सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब लगाते हैं मज़ेदार तड़का। तो इधर मैंने 5 से 6 चम्मच रेगुलर ऑयल लिया है, उसमें मैं डाल देती हूँ हींग, राई और जीरा। फिर हम डालेंगे कड़ी पत्ता, तिल और पीनट्स, और फिर सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से रोस्ट कर देंगे। तो ये हमारा तड़का रेडी हो चुका है और ये जाएगा हमारे बैटर में। सब कुछ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऐसे ही 15 मिनट तक ढक के छोड़ देंगे। तो देखिए, हमारा बैटर बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बेकिंग सोडा। तो इधर मैंने पैन को गर्म कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच रेगुलर ऑयल। इसको ऐसे ही स्प्रेड करते हुए डालिए और फिर हम डालेंगे बैटर। इसको ढक देंगे और 2 मिनट तक पकने देंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है, इससे अंदर से भी हमारा हांडवा अच्छे से पक जाएगा। तो देखिए, ये कितना अच्छा क्रिस्पी दिख रहा है। इसे पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए, दूसरी तरफ भी अच्छे से पक चुका है। अब इसको हम निकाल देंगे सर्विंग प्लेट में। तो ऐसे ही मैंने दूसरा हांडवा भी रेडी कर लिया है। चलो इसे सर्व करते हैं। तो आप देख सकते हो ऊपर का लेयर कितना क्रिस्पी आया है, अंदर से ये इतना ही सॉफ्ट है। तो रेडी है हमारा टेस्टी और हेल्दी हांडवा। इसे आप टोमेटो केचप के साथ या चाय के साथ ब्रेकफास्ट या डिनर में खा सकते हो। तो है ना बहुत ही इजी रेसिपी। आपको भी ये पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।